अब आगे पढ़ते हैं धार्मिक युद्ध। प्रश्न पूछे जाते हैं धर्म युद्ध क्या है। अरे ऐसा लगे कि धर्म युद्ध क्या है भाई, तो धर्म युद्ध कब से कब लड़ा गया, तो याद करना है 1095 से 1291। बोलो 1095 1291। हाँ तो 1095 से 1291 के बीच जो युद्ध हुआ था वो धार्मिक युद्ध था या धर्म युद्ध था। एक तरफ ईसाई एक तरफ मुस्लिम। मुस्लिम ने क्या किया, ईसा मसीह का जो जन्म स्थल था, नाम क्या है, ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है, हाँ फिलिस्तीन का एक छोटा सा है नगर बेथलहम, बेथलहम वहाँ उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का। और वहाँ पर किसका कब्जा हो गया था, ईसाइयों का कि मुसलमानों का, मुसलमानों का। कब हुआ था कब्जा, तो आपको याद रखना है कब हुआ था, तो 638 में, 638 में अरबों का मुसलमानों का कब्जा हो गया। 632 में मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हुई, वो 638 में कब्जा हो गया कि रियल में किसका पवित्र देश है, किसका पवित्र भूमि है, वो ईसाइयों का, क्योंकि ईसाइयों का जो प्रवर्तक है ईसा मसीह। कुछ ईसा मसीह के बारे में जानते हो आप, इस गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी आप तो स्कूल नहीं आते, घूमने फिरने चले जाते हो, तो गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है किसी को पता, छुट्टी मना लेते हैं मगर पता नहीं रहता कि आगे बढ़े कि इसी पढ़ा लेते हैं। गुड फ्राइडे क्या होता है, हाँ बता दें। चलिए दो तरह के टॉपिक है इसमें, क्रूसारोपण, क्राइस्ट क्रूसारोपण मतलब जान रहे हो आप, देखेंगे कि चर्च में या ईसाइयों का जो चिन्ह होता होगा उसमें क्या होता है, जो ईसा मसीह है उनको सूली पर चढ़ाया गया था, किसने चढ़ाया था, यहूदियों ने, यहूदियों ने चढ़ाया गया, चढ़ाया था, क्यों चढ़ाया था, यहूदियों को डर था कि कहीं यहूदियों का जो राजा था, क्या तो नाम था उसका, पित ऐसा कुछ नाम था, यहूदियों को डर था कि कहीं उनका साम्राज्य या उनकी सत्ता छिन ना जाए, क्योंकि ईसा मसीह क्या थे, बढ़ई थे, अपने भाई से सीखे थे, वो कारपेंटर थे, वो नगर में वो काफ़ी अधिक फेमस हो गए थे, मगर उनमें क्या थी, दया की भावना, उनमें सकारात्मक सोच थी, सभी के प्रति वो दया की भावना रखते थे और चाहते थे कि हर इंसान एक दयावान बने, है ना। तो वो अपने संदेशों को क्या करते हैं, प्रचारित करते थे, मगर उनमें भी कुछ चमत्कारिक शक्ति भी रहती है। एक बार कहीं पर विवाह समारोह में वो पानी को शराब में तब्दील कर देते हैं चमत्कार से, बहुत सारा पानी था उसको शराब में तब्दील कर देते, बहुत सारे चमत्कार उन्होंने किए, उनकी आस्था बढ़ती गई। हुआ ये था कि ईसा मसीह के जो माँ का नाम क्या है, कितना संयोग है सोचिए, मोहम्मद पैगंबर साहब और ईसा मसीह की जो माँ है मरियम, उनको दोनों को एक ही दूत, दूत का नाम क्या है जो शिक्षा उनको बताता है, कौन सा, जिसको जिब्रियल भी बोलते हैं, गैब्रियल भी बोलते हैं और जिब्री भी बोलते हैं, मतलब एक ही दूत है, नाम इसका गैब्रियल। हमने देखा मोहम्मद पैगंबर साहब का जब हम पढ़ रहे थे तो मोहम्मद पैगंबर साहब किस गुफा के अंदर ध्यान मग्न थे, चांदी गुफा, हीरा गुफा, हाँ वही ध्यान से सुन रहे लगता है, हीरा गुफा के अंदर ध्यान मग्न थे। रात में देवदूत आते हैं गैब्रियल कि तू अल्लाह के लिए आया है, अल्लाह के संदेशों को तुझे फैलाना है, ये देखते हैं। और मोहम्मद पैगंबर डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, मगर बाद में उनकी बातों को सुनते हैं, कुरान में पूरा जो आयते हैं वही बताया गया, अध्याय 31 कुरान में, अध्याय 31 पद 27 में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि जन इस पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं पेड़ हैं उसको कलम बना दिया जाए, और कितने समुद्र हैं भाई, सात समुद्र की जो पानी को हम स्याही बना दें और जितना हम अल्लाह अल्लाह लिखें तो स्याही कम हो जाएगा यहाँ पर। तो कुरान में अध्याय 31 पद 27 में बताया है, ये आयते हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हाँ मैं बहुत जल्दी बता देते हैं कि होता यह है कि जो क्रूसारोपण जो होता है, मैंने यहाँ बताया कि गैब्रियल ने मरियम को, ईसा मसीह की जो माँ है, उनको आकाशवाणी, उनको बताया कि तेरे जो गर्भ में जो बच्चा होगा वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का पुत्र है,
और वह उसका साम्राज्य इतना फैला रहेगा और हमेशा फैलता रहेगा और उसका कभी अंत नहीं होगा। जो मरियम है ध्यान से सुनती और ऐसे ही होता है। 25 दिसंबर की रात को जन्म होता है ईसा मसीह का, ठीक है। उनका 35 वर्ष की उम्र में उनका समाज में बहुत अधिक नाम हो जाता है, समाज कल्याण करते हैं। 33 वर्ष की उम्र में यहूदियों के द्वारा क्या किया जाता है, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। उसकी वजह क्या, यहूदियों को डर लग रहा है कि कहीं ये हमारी सत्ता को छीन ना ले। यहूदियों के द्वारा सूली पर चढ़ा दिया जाता है ईसा मसीह को। ईसा मसीह कुछ उसका प्रतिउत्तर नहीं देते, क्यों चढ़ा रहे मुझे, ये नहीं बोलते। वो बस एक शब्द बोलते हैं कि हे परमेश्वर तेरे, हे परमेश्वर इन कुछ क्षमा करना, ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं, मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं मगर ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं, इन्हें माफ़ करना, इन्हें क्षमा करना। वो हमेशा अंत तक भी क्या करते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, मनुष्य के लिए सोचते हैं, मनुष्य को क्षमा दे रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं ईसा मसीह। और वो कहाँ जा रहे हैं, क्रूसारोपण, उनको कहाँ पर सूली पर चढ़ा दिया जा रहा है। उस 3 घंटे बाद सूली पर कैसे चढ़ाया गया आप सभी जान रहे हैं, कील ठोका गया है उनका, पैरों में हाथों में उनको चढ़ा दिया गया। और सूली पर चढ़ाया गया ईसा मसीह को, और ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो हम उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। गुड मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, फ्राइडे, फ्राइडे शुक्रवार का दिन चढ़ाया गया। क्यों बोलते हैं गुड फ्राइडे, सूली पर चढ़ाया जा रहा है ईसा मसीह को, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वह मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को क्षमा कर रहे हैं। इतना उन पर तकलीफ हो रहा है, इतना असहनीय दर्द उनको हो रहा होगा, पीड़ा हो रहा होगा, मगर वो मनुष्यों को क्या बोल रहे हैं, हे परमेश्वर इनको क्षमा करना, ये क्या कर रहे हैं इनको मालूम नहीं। ये उनका जो वक्तव्य है ये बोलते हैं मनुष्यों के लिए, मतलब जो हम मनुष्य जो पापी लोग ही हैं, और इस मनुष्यों के लिए वो क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और ये गुड फ्राइडे कहलाता है उस दिन का। अब तीसरे दिन सूली पर चढ़ा दिया गया शुक्रवार को, रविवार के दिन उनका क्या होता है, पुनर्जीवन होता है, ईस्टर, वो जीवित हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ईस्टर। ईस्टर मना रहे हैं, उत्साह होता है, चर्च बिल्कुल सजे रहते हैं, कार्यक्रम होता है चर्च में, क्यों होता है, ईसा मसीह का पुनर्जीवन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ईस्टर। समझ में आया, गुड फ्राइडे सूली पर चढ़ाया गया, क्रिसमस में क्या होता है, क्रिसमस ईसा मसीह का जन्म होता है 25 दिसंबर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कहाँ, बेथलम, उस जो पवित्र स्थल पर क्या चाहते हैं ईसाई, ईसाई लोग चाहते हैं कि हमारा कब्जा रहे जो मुसलमानों का है वहाँ पर। और उसी बीच क्या होता है, उसी बीच होता है कि 1092 में है ना, सलजुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हो जाती है, मलिक शाह की मृत्यु हो जाती है भाई। तो इसका फायदा कौन उठाता है, सम्राट अलेक्सियस प्रथम। अलेक्सियस बोलो, अलेक्सियस, अलेक्सियस। ये कहाँ का सम्राट था, बाइजेंटाइन का, बाइजेंटाइन का सम्राट था अलेक्सियस प्रथम। ये चाहता था कि मौके का फायदा उठाना चाहता था, मृत्यु हो गई, सम्राट का जो पद है वो चाहता था कि उसका एक और था पोप अर्बन द्वितीय, ये दोनों ने क्या किया, ये चाहता था कि मध्य एशिया में सत्ता पर हम काबिज हो जाएं, सत्ता में हम बैठ जाएं, है ना, उस क्षेत्र में हमारा कब्जा हो जाए ईसाइयों का, ठीक है। लंबा हो गया क्लास थोड़ा, रेस्ट तू क्यों, पानी वानी पीने जाना जा सकते हैं तो, क्योंकि इसके बाद जटिल होगा समझने में और ऊपर से चला जाएगा, तो घर में पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। मैं सब सरसरी राज बताया था कि आपको याद रखना 1095 से 1291, 95 91 वो 1000 है 1200 है, ठीक है। पोप अर्बन द्वितीय दोनों क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम फिर से बेथलेम जो क्या है, होली लैंड है, प्रभु के नाम पर युद्ध करते हैं हम, होली लैंड। होली लैंड को क्या बोला गया, पवित्र देश, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जो फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। तो युद्ध होता है, कहां युद्ध होता है, प्रथम पहला धर्म युद्ध होता है
1098 से 99 के बीच इसी युद्ध में फ्रांस और इटली की सेना जीत जाती है। ठीक है, कहाँ जीतती है? जेरूसलम में, और एंटीओक पर अधिकार कर लेती है और चार राज्य को जीतती है, उसको आउट मेरर कहा गया। तो यहाँ पर फ्रांस और इटली की सेना ने जीता, पहली बार जीता भाई। अब जितना भी युद्ध हुआ, दो युद्ध और होने हैं, क्यों हुआ? ये जीता हुआ जो क्षेत्र पर फिर से मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, उसको छुड़ाने के लिए युद्ध हुआ। तो दूसरा युद्ध कब हुआ? 1145 से 1191 में हुआ था। क्या? एडेसा पर तुर्कियों का अधिकार हो गया था, एडेसा पर तत्काल। तो आपको याद रखना है कब हुआ, पहला धर्मयुद्ध, दूसरा धर्मयुद्ध, तीसरा धर्मयुद्ध। क्यों हुआ पहला धर्मयुद्ध? तो ईजी है, फ्रांस और इटली ने जेरूसलम पर, एंटीओक पर अधिकार कर लिया, वो चार राज्य को आउटमेरर घोषित कर दिया। आउटमेरर मतलब जो समुद्री पार के राज्य, आउटमेरर का अर्थ होता है समुद्री पार के राज्य। ठीक है, तो ये 1145 से 1194 फिर क्यों हुआ? तुर्कियों ने अधिकार कर लिया एडेसा पर। तीसरा कहाँ हुआ? 1189 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 1187 में अला अल दीन सीरियाई मिस्री साम्राज्य का सम्राट था, ये क्या किया? पहले से छेड़ दिया ईसाइयों के खिलाफ, तो हुआ। तो कुल मिला के तीन धर्मयुद्ध हुए। कितने धर्मयुद्ध हुए? किनके किनके बीच हुए? ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? देखने की जरूरत नहीं पुस्तक, क्यों हुए आप सोचिए ना खुद। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है होली लैंड पर कब्जा करना चाहते हैं ईसाई लोग। तो क्या है? प्रभु के लिए युद्ध, प्रभु को नहीं, ईसा मसीह के लिए युद्ध। ईसा मसीह का जो पवित्र स्थल है, वहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ उनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु कहाँ हुआ? उनको कहाँ पर सूली पर लटकाया गया? गोलीगात में शायद लटकाया गया, गोलीगात ही होगा। ठीक है, समझ में आया धर्मयुद्ध। अगला देखते हैं, क्योंकि धर्मयुद्ध में मुसलमान लोग ईसाइयों को क्या कहते थे? ईसाइयों को कहते थे अहल अल किताब, किताब रखने वाले। किताब क्या रखे हैं? बाइबिल का, ओल्ड टेस्टामेंट का या इंजिल का। तो मुस्लिम लोग क्या कहते थे उनको? किताब रखने वाले। क्लियर? तो यहां पर देखते हैं सीरिया में फ्रेंक, चलिए कहानी सुना देते हैं आपको। सीरिया में फ्रेंक, फ्रेंक मतलब जो पश्चिमी देश, कौन कौन आ गया? फ्रांस, इटली, जर्मनी, पश्चिमी देश के जो निवासी हैं, पहला धर्मयुद्ध के चक्कर में वो लोग आ गए, वहीं बस गए, ईसाई हैं वो लोग। मगर उस ईसाई व्यक्ति का भी एक दोस्त है मुस्लिम, अपना दोस्त अपना सेक्रेटरी को भेजता है उसके पास, सीरिया का एक जो क्षेत्र वहाँ पर एंटीओक में भेजता है। क्लियर? एक ईसाई व्यक्ति के पास मुसलमान अपना मुस्लिम दोस्त को भेजता है, वो डरा सहमा रहता है। क्यों डरा सहमा रहता है? क्योंकि धर्म युद्ध में ईसाई और मुस्लिम आपस में लड़े हैं, एक दूसरे को मारे काटे हैं, वो मुस्लिम है, वो ईसाई के घर जा रहा है, डरा हुआ है। मगर जो जिसके पास जा रहा है उसका भव्य घर है, नाइट है, नाइट मतलब सेनानायक, रिटायर हो चुका है, वो प्रथम धर्मयुद्ध में लड़ा था, उसके घर जाता है, वहाँ भोजन करता है। भोजन करता है तो उसके पास जब थाली रखा जाता है तो हिचकता है खाने से कि मेरा धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं सुअर का मांस तो नहीं डला है, यह सोचता रहता है। मगर जो ईसाई है, नाइट है, वो उसको बोलता है कि मेरे घर में जो खाना जो बनाती है वो मिस्र की महिला है, वो ही खाना बनाती है, और मेरे इस घर में सुअर का मांस कभी इंटर ही नहीं किया है, सुअर का मांस आया ही नहीं है, बेहिचक खा सकते हो, घबराओ मत, खा सकते हो। ये चीज़ सहमा हुआ रहता है, खाता है मुस्लिम व्यक्ति। ये कब की बात है? 1212वीं सदी की बात है, 12वीं शताब्दी की बात है। एक व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा है जो प्राप्त हुआ है, उस समय की बात है। उस समय इतना धर्म युद्ध हुआ था कि मुस्लिम ईसाई आपस में कट्टर दुश्मन हो गए थे। तो ही होता है कि वहाँ वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद वह बाहर जाता है, अपने एंटीओक में कुछ सामान लेने आता है, वो वापस जाना चाहता है। उसी बीच एक महिला चिल्लाती है, अलग अलग आवाज़ों में चिल्लाती है, उसके पास आती है, उसको पकड़ लेती है पीछे से,
पीछे से पकड़ ली उसको, किसको पकड़ ली, उस मुस्लिम व्यक्ति को जो पकड़ी है महिला, वो कौन है, ईसाई फ्रेंक है, वो पकड़ ली, ठीक है। पकड़ने के बाद चिल्ला रही है, तू मेरा मेरा जो भी रिश्तेदार है उसकी हत्या किया है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। डर गया वो, सब भीड़ आ गया, अब सोचा कि अब तो मेरा अंतिम दिन आ गया, खाया था मस्त, अब अंतिम दिन आ गया, प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, ये सोच लिया, क्योंकि पूरा का पूरा ईसाई लोग हैं, अब मुझे मार डालेंगे। उसी बीच वो ईसाई जिसके घर में खाना खाया वो आता है, आने के बाद वो चिल्लाता है, क्योंकि वो ताकतवर था वहाँ उस शहर का, एंटीओक का, वो आता है और उसको क्या करता है, चिल्लाता है उस महिला को कि तुझे तेरे जो रिश्तेदार है उसको मारने वाला कुछ सैनिक था, ये तो व्यापारी है, इसको तो तलवार चलाना नहीं आता, तू इसको क्यों मारना चाहती है, बहुत बुरा भला कहता है। फिर सब भीड़ बाहर चले जाते हैं और अंततः वह व्यक्ति बच जाता है जो मुस्लिम है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ईसाई सीरिया में बसा हुआ है, मगर ईसाइयों के मन में मुसलमानों के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, ना मुसलमानों को है, मगर वो आपस में क्या है, संशय की स्थिति में है, डरे सहमे हैं। तो सीरिया में फ्रेंक वही बताया है, क्लियर। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कृषि में, मैं इसको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, संक्षिप्त में। राजस्व व्यवस्था, खराज। खराज क्या होता है, कोई मुस्लिम सम्राट है किसी क्षेत्र को जीत लिया, वहाँ का जो क्षेत्र को जीतने के बाद जो टैक्स वसूलता है उसको खराज कहते हैं। खराज में क्या होता है, मैंने बताया ना, जो मुस्लिम है उसको 10% देना पड़ता था, 10% मतलब दसवां भाग देना पड़ता था, और जो गैर मुसलमान है उनको आधा भाग देना पड़ता था, बताया ना, 100 रुपये में 50 रुपये देना पड़ता था टैक्स, और मुस्लिम है तो 10 रुपये दिखता है 100 रुपये में। तो क्या हुआ, किसको घाटा हुआ, सत्ता को घाटा हुआ, धर्मांतरण पर रोक लगा दी, तो ये कारण है। तो ये है, ठीक है, राजस्व व्यवस्था। दूसरा है कृषि विकास का महत्व, तो कृषि के विकास के लिए क्या बने, नहर बने, बांध बने, सिंचाई के साधन बने, कुएं बने, कृषि के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, तो इसका निर्माण होने लग गया, उतना अंदर नहीं जाना है, ठीक है। अगला शहरीकरण देखते हैं, नए नए शहर की स्थापना हुई, काहिरा मिस्र में एक नया शहर बन गया। दूसरा क्या, कूफा, बसरा, पुस्तान, बसरा इराक में बन गया, काहिरा मिस्र में बन गया, नए नए शहर की स्थापना क्यों हुई, आप सभी अरबी ही समझ लीजिए, अरब लोग, अरबी सेना है, अरब से आए हैं सैनिक, क्या काम है उनका, सैनिकों का जो काम है वो क्या चाह रहे हैं, अधिकांश से अधिकांश सत्ता में स्थापित होने के लिए, तो उनके लिए क्या बनाया गया, शहर की स्थापना की गई, कहाँ कहाँ की गई ये, और नगर की विशेषता क्या है, आप उस नगर में रहते तो क्या विशेषता रहती आपकी, तीन विशेषता रहती, मस्जिद रहता, मस्जिद देखें आप लोग, मस्जिद रहता, वहां पर सब लोग जाके नमाज अदा करते, क्लियर, मस्जिद रहती, सभी लोग, किसी एक व्यक्ति नहीं जाता वहां, सभी लोग जाके नमाज अदा करते मस्जिद। दूसरा क्या होता, केंद्रीय मंडी या सुख, केंद्रीय मंडी मतलब वहां पर एक विशेष प्रकार का बाजार लगता, हर प्रकार के बाजार, वहां पर मांस मंदिरा हर प्रकार के सर्व सुविधाओं बाजारों में सब सामग्री मिलता, तो केंद्रीय मंडी। तीसरा है सिनेगोग, सिनेगोग क्या है, हिंदुओं का मंदिर, ईसाइयों का चर्च, मुसलमानों का मस्जिद और यहूदियों का सिनेगोग, यहूदी प्रार्थना घर को सिनेगोग कहते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल में 11वीं में शायद है, प्रैक्टिकल में रूढ़ चिन्ह का सिनेगोग है ना, सिनेगोग क्या है, यहूदियों की प्रार्थना घर, वो भी हुआ करता था। तो ये कहाँ होता था, और जो शहर के बीच में बड़े बड़े पद पर हैं, नाइट हैं, प्रशासनिक, वो लोग रहते थे, वो सैनिक लोग कहाँ रहते थे, बाहर में, नगर के बाहर में सैनिक लोग रहते थे, कर्मचारी रहते थे, क्लियर, इतना लिखना है, समझना है। वाणिज्य में क्या देख, समुद्री व्यापार पर एक अधिकार हो गया, समुद्री व्यापार हो गया, लाल सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर पर एक अधिकार हो गया, उस समुद्र में ही क्या किया गया, जहाज के जरिए, पुस्तक में एक फोटो भी होगा, पुस्तक में एक फोटो हुआ है, पांडुलिपि में प्राप्त है, ये नाव है, नाव, इसमें ही व्यापार किया जा रहा है समुद्री मार्ग में, है ना। तो देखिए, सिक्कों का प्रचलन हो गया, सिक्के हो गए, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोना कहाँ से पाया, अफ्रीका के सूडान से, चांदी कहाँ से पाया गया, वो मध्य एशिया से पाया गया, वहाँ पर घाटी का नाम है जरफसन घाटी, और तांबे को फुलस कहते थे, तो ये सिक्के हैं, क्लियर, इसको एक बार और समझ लीजिएगा बाद में। तो ये
अर्थव्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, धर्म के साथ संस्कृति का भी विकास होने लग गया, सामाजिक व्यवस्था में क्या है वो भी अच्छी थी, अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक सुदृढ़ हो गया, सिक्के का चलन हो गया, सिक्के भी आपको पुस्तक में दिखाई देगा, एक सिक्का है, इसमें एक खलीफा का फोटो है, उसके आजू बाजू उसके दो मित्र दो पुत्र हैं उनका फोटो है, क्लियर। कागज गेनिजा अभिलेख, गेनिजा अभिलेख को समझते हैं हम लोग, यहूदी लोग कुछ लेख लिखते थे, किसमें लिखते थे, हम पेम्पायरस पढ़े रोमन साम्राज्य में, यहूदी लोग पेम्पायरस में कुछ लेख लिखते थे परमेश्वर के नाम में, भगवान के नाम में, और उस कागज़ को क्या लोग जला देते फेंकते थे क्या, नहीं, नहीं। आप लोग भी कहीं कुछ घर कुछ पेपर में आया फोटो, दिवाली के दिन आया लक्ष्मी जी का फोटो, घर पर आप लोग चिपका दिए, एक साल दो साल पूजा किए, पेपर फट गया, क्या उसको आप फेंक देंगे, कहीं कहीं जाओगे कि नदी में ठंडा कर दिए, तालाब में ठंडा कर दिए जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ था, गेनिजा अभिलेख मतलब गेनिजा एक प्रकार का सील बंद रूम हुआ करता था, उस रूम के अंदर क्या करते थे, जितने भी कागज थे पेम्पायरस के जो पत्ते थे, पेम्पायरस क्या था जान रहे हो ना, नील नदी की घाटी में पाया जाने वाला सरकंडा, जिस पर लिखा जाता था लेख पेम्पायरस, पढ़े ना कि भूल गए, तो इसमें कुछ लेख लिखा गया है, किसी के विवाह का, किसी के दहेज का, संविदा का, अर्थव्यवस्था का, परमेश्वर का, प्रभु का, जो भी लेख लिखा गया है उसको उस कमरे के अंदर सील बंद करके रख देते थे, उसको जलाते नष्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रभु या ईश्वर के नाम पे जो लेख लिखा गया है उसको जलाना मतलब प्रभु को नाराज करना, तोहीन। तो उसको क्या करते थे, गेनिजा एक रूम हुआ करता था जिसको सील बंद करके रख देते, तो वो ऐसी हमको प्राप्त हुआ है, 2.5 लाख पांडुलिपि प्राप्त हुआ है, पांडुलिपि मतलब हाथों से लिखा गया लेख, पांडुलिपि मिला है लेख, ठीक है, समझ में आया। गेनिजा मतलब गेनिजा अभिलेख में एक कमरे में सील बंद कमरे में 2.5 लाख से आसपास पांडुलिपि प्राप्त हुए, तो उससे ये पता चलता है कि यहूदी लोग जो थे वो किसी प्रकार का ईश्वर के प्रति जो लेख लिखते उसको नष्ट नहीं करते थे, उसको संभाल के रखते थे, क्लियर। कागज, कागज बनाने वाला सिर्फ एक ही देश था, चीन, 700 ईसा पूर्व के आसपास, 700 ईस्वी के आसपास की घटना है, एक कौन है सुल्तान, वो क्या करता है 40,000 चीनियों को बंदी बना लेता है, आक्रमणकारियों को, उनको बंदी बना के पूछता है, क्योंकि चीन लोग क्या करते, चीनी लोग क्या करते, कागज बनाते तो हैं, भेजते तो हैं, मगर बताते नहीं कि कागज कैसे बना, उस समय कोई नहीं जानता था कागज कैसे बनता है, मगर वो कहाँ से आता, चीन से, चीन काफ़ी अधिक पैसा कमाता है। इस बार क्या हुआ, एक सुल्तान है वो 40,000 चीनियों को बंदी बना लेता है, वो सबसे पूछता है कि कागज़ कैसे बना, बता बता बता, बता देते हैं, वो कागज़ बनना शुरू हो जाता है, और इस्लाम में ये है कि एकाधिकार नहीं होना चाहिए, कागज़ को सभी दिशाओं में बनाना शुरू कर देते हैं। कागज़ किससे बनता था, लिनन से, कागज़ है लिनन से बनता था उस समय, हम लोग तो कागज़ को ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, है ना, फेंकाया कागज़, मगर कागज़ के लिए युद्ध लड़े गए, कागज़ कैसे बना बताओ बोल के चीनियों से युद्ध लड़ा गया, ठीक है, उभर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम जल्दी बता देते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखिए कागज़, कागज़ के लिए क्या किए, पिरामिड जानते हो, पिरामिड, पिरामिड जान रहे हो, देखे हो मिस्र में पिरामिड, मम्मी जानते हो, द मम्मी फिल्म देखे हो, हाँ फिल्म से जान गए, तो पिरामिड जो है ट्रायंगल के आकार का, उसके अंदर जो वहाँ के सम्राट रहते थे है ना, उनकी जो बॉडी में विशेष प्रकार का लेप लगाते थे कि उनकी जो बॉडी है शरीर है हजारों वर्ष तक नष्ट ना रहे, विशेष प्रकार लेप लगाते थे, और उससे किससे लपेटते थे, चीन से बना हुआ लिनन से, चीन में जो कागज़ बना है ना लिनन, लिनन से उसको लपेटते थे, उस बॉडी को लपेटा हुआ हजारों साल हो गया। अब जो चोर उचक्के लोग क्या किए, इसका डिमांड उस समय बहुत महंगा हुआ करता था ये कागज़, क्या करते थे उस मिस्र मतलब वो पिरामिड के अंदर कब्र को खोदते थे, कब्र को खोद के जो मम्मी होता था उसके ऊपर से क्या हटाते थे,